नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीव स्टडी पर। तो पीटीटी का एग्जाम कल होने वाला है, अभी बहुत कम समय बचा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीजनिंग अगर आपकी कमजोर है तो उसको हल करने की कुछ ट्रिक बताऊंगा, और जीके के कुछ चुनिंदा प्रश्न बताऊंगा, जो चुनिंदा क्वेश्चन बताऊंगा वैसे क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखें। उससे पहले मैं दो बात आपको बता देता हूँ। पहली कि अगर आपको राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी ग्रुप डी, इनसे रिलेटेड राजस्थान जीके, इंडियन जीके और किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा ही दूसरा चैनल है, और वीडियो के लास्ट में दो वीडियो दिखाई देंगे आपको यहाँ पर, तो उनको जाकर जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर दूसरी बात, अगर आपको जो इंडिया जीके रीजनिंग और राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए टॉप 100 क्वेश्चन की, तो वो उसका भी लिंक मैं नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगर आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो तभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। तो अभी मैं बात करते कि रीजनिंग को हल करने की कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप है ना, क्या सीरीज बेस्ड आएंगे, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके 5 से 7 क्वेश्चन। जो ए बी सी डी जो अल्फाबेट है, इन पर क्या होगा निर्धारित, इन पर इनकी सीरीज पर क्या होंगे बेस्ट होंगे, ठीक है। इन सीरीज पर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इन सबसे पहले आपको अगर रीजनिंग कमजोर है तो क्या करना है, रीजनिंग अगर आपकी कमजोर है तो सबसे पहले आप क्या करना, जो एक जो पेपर है उसमें ए बी सी डी लिख लेना, ठीक है। ए बी सी डी कहाँ तक है? पहले क्या ऐसे करके एम तक लिख लेना, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, पहले क्या ए बी सी डी लिख लेना एम तक, ए बी सी डी ऐसे करके एम तक लिख लेना आप, ठीक है। एम तक लिखे, एम तक एक सीधी लाइन में लिख लेना। फिर क्या एम के नीचे से उल्टा स्टार्ट कर देना आगे की, जैसे एन ओ पी ऐसे करके उल्टा स्टार्ट कर देना, ठीक है। पहले एम तक एक लाइन में लिख लेना, फिर उल्टा स्टार्ट कर देना, 13 अक्षर हो जाते हैं एम तक। फिर 13 के बाद में जो 14 नंबर आता है वो इस साइड से स्टार्ट करना, ठीक है। इस साइड से स्टार्ट करते हुए ऐसे लिखते जाना, एम के नीचे एन ऐसे करके लिखते जाना, ओ पी उल्टा लिख देना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो। उल्टा लिखने का मतलब है कि यहाँ तक लिखा, जैसे एम तक लिखा ए से लेकर एम तक, और फिर इस साइड लिखा एन से लेकर जेड तक, ठीक है। तो क्या होगा, ये जितने भी जो ये अल्फाबेट एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लगभग 2 या 3 सीरीज होती है वो विपरीत अक्षरों पर ही आधारित होती है। जैसे ए का विपरीत जेड हो गया, जेड का विपरीत ए हो गया, एन का विपरीत एन हो गया, और एन का विपरीत एम हो गया, ठीक है। एम का एन, एन का एम, इसी प्रकार से जैसे एम से पहले एल होता है, इधर ओ होता है, तो ओ का एल हो गया। तो इस हिसाब से आपको क्या है थोड़ी आसानी रहेगी। फिर एक जो नंबर है वो भी आप है, वो तो लिख लेंगे उस टाइम, लेकिन जो उल्टी वाली सीरीज आ जाती है कई बार, तो क्या है कई जिनकी कमजोर होती है रीजनिंग, वो क्या पहचान नहीं पाते, और पहचान नहीं पाते तो वो सोल्व नहीं कर पाते। तो याद रखना आप जो पहले क्या एम तक लिख लेना, फिर नीचे से एन से लेकर जेड तक उनके नीचे लिख लेना, उस अक्षरों के नीचे। तो उस पर बेस्ट क्या है, 2 या 3 सीरीज आ जाती है, तो जो जिनकी रीजनिंग जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी है तो उनको क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी ट्रिक लग रही है, तो इस हिसाब से हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चन है वो एकदम ईजी से आएंगे, ठीक है। बाकी जो सादृश्यता के आएंगे कि इन 4 में से कौन सा भिन्न है, जिसमें क्या कुछ जैसे 4 सब्जियों के नाम दे दे, ठीक है, 3 ऐसी सब्जियों के नाम दे दे जो जमीन के नीचे यानी कि जमीन के अंदर लगती है, और एक ऐसी सब्जी का नाम दे दे जो जमीन के ऊपर लगती है, जैसे गोभी दे दे, बाकी गाजर मूली ऐसे आलू ऐसे करके दे दे, तो वो 3 तो क्या नीचे लगते हैं जमीन में और एक ऊपर। इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, इजी से क्वेश्चन आएंगे, एकदम इजी से क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ जो अल्फाबेट वाले हैं वो आप इस हिसाब से कर लेना, ठीक है। फिर जीके के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बता देता हूं आपको। रीजनिंग में बस सीरीज बेस्ड और जो सादृश्यता यानी कि जो भिन्न होता है उसको छांटो कि इन 4 में से कौन सा भिन्न है, ठीक है, 3 एक जैसे हैं एक अलग है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आने वाले रीजनिंग में, जीके के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आप कर लेना याद। जैसे एक तो क्या करंट में अगर बात करें तो जितने भी मंत्री हैं राजस्थान और इंडिया के, ठीक है, जो गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, जितना भी रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, राजस्थान के भी शिक्षा मंत्री, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री, वो जो भी पंचायती राज मंत्री, चिकित्सा मंत्री, ये करके आप क्या है देवस्थान मंत्री, इतने भी सब मंत्री है ना जो इंडिया के और राजस्थान के, वो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कई बार आते हैं मंत्री से रिलेटेड कि ये मंत्री कौन सा राजस्थान या फिर इंडिया का, ठीक है, एक बार देख लेना आप इन चीज को। बाकी जो जीके है उसमें भी ज्यादा, वैसे जीके सबसे जो हार्ड पार्ट है उस वो जीके है, क्योंकि इसमें करंट, जनरल साइंस
और इंडिया का जीके और राजस्थान का जीके सब कुछ मिक्स आता है, तो वो देख लें। रीजनिंग अगर नहीं आती आपको तो थोड़ा मैं आपको भी इन बाकी जो ये दो चीज़ है इनके नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो उस पर जाकर आप जो PDF है इन सब की, 7-8 PDF है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ज़रूर देखें उनको। और एक चैनल है, अभी देखो यहाँ पर दो वीडियो दिखेंगे आपको यहाँ पर, तो इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो पर जाकर जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी।